अभी ये जो मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया ना, इससे पहले मैंने 3 या 4 टेक लिए, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है हाथों में, आसपास भी नहीं। ओके, कुछ भी मैंने आज मेमोराइज़ नहीं किया है। जो आज मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई हार्ट। कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट्स इट। एंड सबसे पहला आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाई हैं इससे पहले की, उसमें व्लॉग्स को छोड़ करके सब कुछ स्क्रिप्टेड था। मतलब नॉट इन द सेंस कि सब कुछ प्लान्ड था, बट जो मैं बोल रहा था वर्बली, इट वॉज ऑल द मैसेज दैट वॉज नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई हार्ट। अभी से ऐसी शुरू हो गई है, बट एनी वेज मैं आज का प्लान ये भी है कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें मैं कुछ भी कट या एडिट नहीं करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी मैं कितना इफेक्टिव हूँ, कितना एफिशिएंट हूँ अपनी स्पीच में। तो एक्साइटेड? यस ऑफ कोर्स आई एम। एंड ऑल्सो आई एम हैप्पी टू टेल यू कि कुछ टाइम तक के लिए मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस डालने वाला हूँ, ताकि मैं अपनी वोकल्स पे और काम कर सकूँ, अपनी स्पीच और सुधार सकूँ, अपनी आर्टिकुलेशन और अच्छा कर सकूँ। एंड होपफुली इस जर्नी में मैं जो भी सीखूँगा वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। दैट्स इट, आज का मैसेज यही था। अभी आज की जो प्रैक्टिकल एडवाइस है, आई लाइक टू गिव प्रैक्टिकल एडवाइसेस। जो प्रैक्टिकल एडवाइस है जो मैंने एक्टिंग स्कूल में सीखी थी, वो ये है कि अगर आप अपनी स्पीच को, अपने शब्दों को और साफ साफ बोलना चाहते हो, तो टेक दिस, नॉट दिस पेंसिल स्पेसिफिकली, कोई भी पेंसिल, और उसको यू मुंह में डुबा के यू जस्ट स्पीक स्पीक स्पीक। और अगर आपको लगता है कि टफ पड़ रहा है तो थोड़ा सा पेंसिल को आगे को रख लेना, अगर इजी लगता है तो पीछे को रख लेना माउथ में। एंड इस तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी जो ये जो जॉ लाइन होती है ये थोड़ी सी रिलैक्स होने लग जाती है, प्लस जो आपकी मसल्स होती हैं फेस की, वो और खुलने लग जाती हैं, एक्सपेंड होने लग जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो शब्द होते हैं वो क्लियर आने लगते हैं। दैट्स इट। इस नहीं, अभी नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब मज़ा आने लग गया है बोलने में। यू नो आई एम एन इंट्रोवर्ट, और यहाँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल था पहले भी, जिसमें मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करता था, ऑडियो रिकॉर्डिंग डालते रहता था, बट कुछ टाइम बाद उसकी कंसिस्टेंसी चली गई, बिकॉज़ उसमें कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। बट इस चैनल में आई बिलीव वो अकाउंटेबिलिटी मुझे मिल सकती है, एंड होपफुली मैं आपको इतना तो इंस्पायर कर सकूं कि आप भी ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, स्पेशली स्पीकिंग स्किल्स, इसमें आप भी काम कर सको। एंड डोंट वरी, अगर आपको डर लगता है, तो मुझे भी डर लगता है, किसको नहीं लगता है ना, कैमरे के आगे बस रिकॉर्ड कर दो और कुछ भी बोलते जाओ। इट्स चैलेंजिंग एंड दैट्स द गुड पार्ट। एंड अभी ये जो फीलिंग आ रही है इस कैमरे के आगे बोलने की, दैट इज़ आई एम फीलिंग हैप्पी कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये चैलेंज किया। इट इज़ चैलेंज फॉर मी। नॉर्मली मुझे बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब इतना ऐसे बोलना कि यार भगते ही जाओ, कुछ भी बोलते जाओ। दैट इज दिस इज गुड। एंड एक दो और पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, बट मैं पूरा उनको बोलूँगा नहीं, मैं पॉइंटर्स आपको बता देता हूँ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग। देखो ज़्यादा नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स होंगे। क्लियर? देखो अपनी
लाइफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस देने के लिए आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म का वेट मत करो। ओके, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास है डॉगी, आपके पास रिकॉर्डिंग जो कैमरे में रिकॉर्डर होता है वो है, आपके पास कैमरा है फ़ोन पे, उसको यूज़ करो और स्टार्ट स्पीकिंग। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये जो आर्ट है, दी आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, ये नहीं हो पाएगी। एंड आई विश कि मुझे ये पहले समझ में आ गया होता, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं इसके ऊपर, दी आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, बोलने के ऊपर ही, कम्युनिकेशंस के ऊपर ही। बट अभी तक जो मुझे करना चाहिए था, विच इज़ दिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो मैंने अभी तक नहीं किया। बट टाइम्स चेंज, थिंग्स हैव चेंज्ड, आई हैव लर्न्ड एंड आई हैव मूव्ड ऑन। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डोंट वेट फॉर अ ह्यूज प्लेटफॉर्म टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट्स द मैसेज। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आई कॉन्ट टेल यू मुझे कितना अच्छा लग रहा है बात करते हुए। आई सी यू टुमारो, और अगैन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बाय। हैप्पी बसंत पंचमी बाय द वे, आज बसंत पंचमी है, मुझे येलो पहनना चाहिए था बट आई एम वेयरिंग ब्लू, इसके बाद कर लेंगे। ओ आई हैव गॉट दिस एज वेल, चलो इसकी स्टोरी किसी और दिन। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मुझे जब कुछ पॉइंटर्स मिल जाएंगे कुछ इफेक्टिव स्पीकिंग के ऊपर के, इफेक्टिव स्पीकिंग के ऊपर, तो मैं आपके साथ वो यहाँ पे शेयर कर दूँगा कल को होपफुली, क्योंकि मैं रिसर्च तो करूँगा इसके ऊपर, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसको मैं एग्जामिन करूँगा शाम को, एंड पॉइंटर्स बनाऊँगा कि क्या गलती हो रही है, मैं कितना ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैसेज कितने कम शब्दों में मैं बोल सकता था, एक्सेट्रा। ओके, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई सी यू टुमारो, एंड प्रैक्टिस, बाय।